कहा गया कि हमारे भारत के देश के तमाम क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। कवि ने चार लाइन भूमिका लिखा है, क्या लिखा है? गगन अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अरे फेट सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। अरे खून से लाल कर देंगे धरती गगन, कभी नहीं झुकेगा ये अपना तिरंगा, भेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा। कहना बा गजल की टुकड़ा बा, उसी में न जा जवानों के लिए क्या लिखे? थे शेर, थे शेर बबर ना दौड़ करिएगा, थे शेर, थे शेर बबर ना आजादी के दीवाने, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, कहां से कहानी की शुरुआत बा, जौहरी के भाव में कहना बा। हर
पुरानी आदत जाए ना। बेचारा पीटा था बा, वो मुआ चमड़ा बा, जिंदगी में नसीबे न होए लागता बा। बेचारा मेहनत कर रहा है, थोड़ा चाय पिला दीजिए बा, मुंह सूख रहा है। कहानी पे गौर करिए या भैया, भारत की देख की हालत बा, जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी। चकना चूर करेंगे अंग्रेजों का हर सपना, जान भले ही जाए आजाद देश हो अपना। कहानी यहीं से स्टार्ट बा, ओ समय की कहानी बा। सन 1919 की बात है बा, सन 1919 13 अप्रैल जलियांवाले बाग में बा, बैसाखी मेला लगा। और आज भी प्रमाण बा कि जलियांवाले बाग में बैसाखी मेला आज भी लगता है बा, बा सही है। जब मेला वहां पर लगा, उस मेले में क्रांतिकारियों ने एक मीटिंग बटोरी, एक मीटिंग बटोरी बा, सब लोग एकत्रित हो गए उस मेले में, अपने अपने विचारधाराओं को रखने लगे कि मेरा भारत देश गुलाम कब तक रहेगा, हम सब आप गुलामी की जंजीरों में कब तक जकड़े रहेंगे बा, बा। तमाम अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं बा। लेकिन भैया उसी बैसाख में, उसी बैसाखी मेले में उस क्रांतिकारियों के बीच में एक लड़का रहे, लगभग वो लड़का की उम्र 12-13 बरिस की रहे बा। अपने बाबूजी से बड़ा जिद कई के कहन, बाबू हम बहु मेला देखे जा बा। बाबू कहन, ए बेटवा तुहारी छोड़ की उमरिया बा, हेराई जाबा, बड़ा भीड़ भाड़ बा, बा। बेटवा कहा, नाई बाबू हम तोहरे साथे मेला देखाई जाब जाब। ए भैया जिद करके 12-13 वर्ष की उम्र में उ लड़किया के नाम रहे उधम सिंह। उधम सिंह अपने पिताजी के साथ जब मेला देखने गए, उस मीटिंग में विचारधाराओं को तमाम लोग रख रहे हैं, उसी बीच में एक घटना घट गई। घटना यह घटी कि 18 मिनट लगातार बा, 18 मिनट लगातार जनरल डायर ने गोली चलवा दिया जलवान जलियांवाले बाग में बा, बा। तर 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 जिस समय गोली चली, तमाम क्रांतिकारियों ने उसी बीच में गोली खाकर शहीद हो गई। कोई जान बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया, कुएं में कूद गया, पैरे तलो कुचल के मर गए, कितने गोली खा के मर गए। उसी बीच में उधम सिंह के पिताजी के सीने में गोली लग गई, उधम सिंह के बचावे के खातिर। जिस समय उधम सिंह के पिताजी के सीने में गोली लगी है, अपने बेटवा के 12-13 वर्ष की उम्र में अपने बेटवा के बुला के पिताजी एक बात करें कि हे पिता, तो उसे हाथ जोड़ के हमारे के गुजारिश बा कि जब तक वो पापी शैतान जनरल डायर से अपने क्रांतिकारियों का बदला नहीं ले लेता, तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 12-13 वर्ष की उम्र में आज अपने बाबूजी से वादा कैले, कैसे मतलब के गीत लग गई, अपने जवानी की आलम स्वर्गी दादा रामदेव अपने गावत रहे अपने जवानी के आलम में गीतिया की, कैसे गावे मर साहब तो हरो तो जवानी है। हां हां चला दावा चलिया
की उम्र में अपने पिताजी से उधम सिंह वादा कैलन कैसे मरता बा जनरल डायर की खुनवा। आज मन में एकदम ठान लिया उधम सिंह कि अपने पिताजी से मैं वादा किया हूं और मैं अपने क्रांतिकारियों का बदला जरूर लूंगा। कैसे मार साहब धीरे धीरे बीतल 20 साल के समय अरे छोड़ के पंजाब उधम गई ने बंबईया साल के समय जो बीता धीरे धीरे बीतल अरे 20 साल के समय अरे छोड़ के पंजाब उधम गईले बंबईया अरे घूमते घूमते आए सागरी के किनारा घूमते घूमते आए सागरी के किनारा अरे फाटल बाए को भरता तो जब 20 साल के समय बीता था 12-13 वर्ष की लड़कियां जब 20 साल के समय बीता लगभग वो कोई उम्र 32-33 साल हुआ कुछ दिन के बाद 32-33 साल की उम्र में आज पंजाब प्रांत छोड़ के उधम सिंह बंबई गए जनरल डायर की खोज में। जब बंबई गए एक दिन भोरारी में उधम सिंह जोहू चौपाटी के किनारे समुद्र के किनारे जो जगह हुई जानत हुई वहाँ क्या रस मिलता है। जोहू चौपाटी के किनारे ऐसा ठंडी हवा लेते लेते जनरल डायर की नजर में खोज में आज टहल रहा है। लेकिन उधम सिंह को यहाँ पर एक घटना घट गई। उन नहीं है मतलब उस समुद्र में एक नाव वैसन रहे उन नैया पे बहुत सवार थे यात्रीगण सवारी कर रहे थे। थोड़ी देर में वो नाव डूबने लगी। जब वो नाव डूबने लगी तो उन नाव पे एक लड़की सवार थी। एक लड़की एक गीत लगे मार सकता ओह कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से अपने दिल को बात कह का कहा है तनिक लैला हो ए राजा लैला आए हाय ए बलमुआ लैला हो तनिक लैला हो बलमुआ हमके को किसकी थी कहना बा गौर करिएगा। तू बलधार बीचे आर्य धारा बीचे हो तू
जलधारा बीच रेखा के नवारिया लड़की सवार थी बा। उस लड़की का नाम है रेखा बा, रेखा को किसी ने नहीं देखा। रेखा और रेखा का नाव जब डूबने लगी तो रेखा शोर मचाने लगी बा। नाव डूब रही है मारी बचाओ बचाओ बचाओ। कान में आवाज गई उधम सिंह के। उधम सिंह जैसे छलांग मारने की कोशिश किए वैसे अपने बाबूजी का वादा याद आ गया कि मैंने अपने बाबू से वादा किया है कि जब तक मैं पापी शैतान जलरडार से बदला नहीं ले लेता मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। लेकिन वो समय उधम सिंह पीछे हट गए और वो भी स्वर मचाने लगे भाई नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। भाई अपन अपन जान सबका प्यारी कोई कूद कर बचाने वाला नहीं। आखिरकार में उधम सिंह छलांग मार के कूद गए और बारी बारी से उस नाव पे जितने लोग सवार थे सबको बारी बारी से बाहर निकाले। रेखा का जब नंबर आए तब उधम सिंह हाथ बढ़ाए और जब रेखा इसे हाथ पकड़ाई तो जान लग एकदम फीलिंग अजब से जग गई। रेखा कहे ओ रेखा उधम सिंह को देखती ही रह गई। रेखा उधम सिंह को देखते ही रह गई। ओ क्या बंदा है इतनी सुंदर इसकी आंखें हैं और ये नौजवान मुंडा क्या बात है। रेखा एकदम भाग गई एकदम मदहोश हो गई। रेखा कहने लगी आपका नाम क्या है। उधम सिंह उस रेखा की बात सुनता ही नहीं है वो तो अपने तलाश में जनरल डायर के हैं। और रेखा एक बार आवाज देती है कि ओ छोरे तेरा नाम क्या है। उधम सिंह कहने लगा वो लड़की मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला मेरा नाम उधम सिंह है। मेरा नाम उधम सिंह है और तुम कौन हो। रेखा कहने लगी मैं इस मुंबई शहर के सबसे बड़े सेठ की लड़की हूँ। मेरे पिता का नाम धनपत राव सेठ है और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरा नाम रेखा है। ओ माय गॉड। उधम सिंह ने कहा अच्छा आपका नाम रेखा है। आपका नाम रेखा है आप कोई बात नहीं। तो रेखा एक बात कहने लगी कि मैं आपसे जब को देखा है मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम। उधम सिंह ने कहा आप हमसे प्रेम करती हो यार लड़की होश हास में तो नहीं हो। साहब कोनो दुलहिन अपने दुल्हा से बड़ा जिद कैले है मेला देखे खातिर। दुल्हा बोल पड़ा ये हमार रानी मेला में बड़ी भीड़ रहा अगर हेरा जेबू हमार फिका हुई। दुल्हा दुल्हिन से एक बात कहे नया नोहरा कनिया बड़ी मेला देखाई के छिद कहाँ जतारी नया नोहर अभी कनिया बारू मेला देखाई के छिद कहाँ जतारू हमरा के डलले बारू काहे तू झमेला में झमेला में झमेला में गोरिया हेरा मई हरी के मेला में। लेकिन रेखा उधम सिंह से अपने दिल की बात कहती है क्या तोहरा बिना हम जी ना पाई ये सामने जो टीम में तोहरा बिना हम जी ना पाई लगी तोहरे साथे बिताई
जीना पाई जिंदगी तोरे साथे बिताई साथवा न छोड़बई तोहर हाना ये राजा जी राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बना ला जी कहानी पे गौर करी एकदम अवाक हो गई उधम सिंह की। अरे ये लड़की कहती हो कि हमके अपने जीवन के साथी बना ला। अरे यो लड़की ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। उधम सिंह की बातियां सुन के आज रेखा कहने लगी क्या बात है बताओ। पंजाब प्रांत की कहानी बताने लगे जलियान वाले बाग में आज उसी बैसाखी मेले में हमारे पिताजी शहीद हो गए गोली खा करके। कहानी पे गौर करिए, उस समय पूरी कहानी उधम सिंह ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जनरल डार की खोज में आया हूँ। रेखा कहने लगी आप इस जुहू चौपाटे के किनारे क्या कर रहे हो? ओ पापी आपको लंदन में मिलेगा, यहाँ पर वो नहीं मिलेगा। उधम सिंह ने कहा कि वो लंदन में मिलेगा। कहे हाँ, कहे मेरी अब पहली दास्तान सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। एक गीत लग गई बड़ी सुंदर लाइन बा, कहना बा, किसी के बा काम जो आए, आए है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए लेकिन कहानी पे गौर करिए ये भैया, उस समय उधम सिंह रेखा से एक बात कहने लगी क्या? वतन की सर जमी पर सर, वतन की सर जमी पर सर कटाना हक हमारा है। जमी पर सर बाबा काटाना हक हमारा है। वतन की सर जमी पर सर बाबा काटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, अमन छीना वतन का जो वही दुश्मन हमारा है। अरे यमन छीना वतन का जो वही दुश्मन हमारा है। सारी बतिया सुन के रेखा की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि इस काम में सकल पंच के बतिया सुन के उधम सिंह के रेखा की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि उधम जी इस काम में अगर मैं आपके साथ देती हूँ, अगर मेरी जान चली जाए मुझे कोई गम परवाह नहीं है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको लंदन जाना पड़ेगा। उसी समय जाके उधम सिंह को अपने पिताजी से मिलवाती है कि पिताजी इसका नाम है उधम सिंह, ये पंजाब प्रांत से चलकर आया है और ऐसी ऐसी बात है, जनरल डार की खोज में आया है। धनपत राव सेठ जी कहने लगे कि मेरी बेटी तो मुझे बताओ मेरे लायक क्या चीजें, मैं क्या कर सकता हूँ आप सबके लिए। एक लौती लड़की थी रेखा धनपत राव सेठ की। उसी समय धनपत राव अपने बेटे से कहने लगे कि बोल बेटी क्या चाहती हो। रेखा कहने लगी पिताजी मैं इनसे प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, शादी करूँ
करूंगी, इन्हीं से करूंगी, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। धनपतराज सेठ जी कहने लगी, बोलो बेटी तुम क्या कहना चाहती हो। रेखा कहने लगी, मुझे लंदन जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। धनपत राव सेठ जी अपनी बिटिया के बात मान के लंदन जाने के लिए 2 टिकट कटवा दिए। अचार की कैसे पूछ लो मार सब कहा भाव में। कुर्बानी मांगे भारती देशवा, कुर्बानी कुर्बानी मांग भारती देशवा, गर्जा वीर बघेला से नहीं से नानी हो। पापड़ की लाइन में कहना बा, अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमयान जान से मारूंगा, पहुंचे जाके लंदन के दरमयान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर से तान जान से मारूंगा। जान से मारूंगा। लंदन में जब दोनों पहुंचे रेखा और उधम, उसी समय तलाश की खोज में करने लगे कि वो पापी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ढूंढने लगे। और काम क्या करते हैं मार साहब, बन के फोटोग्राफर उधम खींचता सबीरिया, एक दिन रेखा जाके बतवली अखबार के खबरिया, अरे हुआ उधम सिंह का काम या शान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। उसी लंदन में कुछ दिना उधम सिंह फोटोग्राफर का काम करने लगे, लोगों की तस्वीर खींचने लगे। किसी न किसी जरिया से वो शैतान से मुलाकात जरूर होगी। एक दिन अखबार में छप कर आया, पेपर में छप कर आया, पेपर वाला बांट रहे आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। रेखा अखबार उठा के वो खोल के पढ़ रही है, तो सबसे ऊपर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि किसी काष्ठन हाल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषण देने आ रहा है। पेपर पढ़ते मान साबूत लेके गई उधम सिंह के पास, कहने लगे कि उधम जी आपकी मंजिल अब दूर नहीं है, आपकी मंजिल खुद आपके पास आ गई है, ये पेपर पढ़ो इसमें क्या लिखा है। उधम सिंह जब देखे, ओ माय गॉड, खुश हो गए और अपने पिताजी को याद करके कहने लगे कि आपका सपना पूरा हो जाएगा पिताजी, अब बदला पूरा हो जाएगा, मैंने आपसे वादा किया था, आज मेरा वादा पूरा हो जाएगा। उसी समय पेपर को पढ़ते हुए आज वतन की टोपी लगाकर बेल्ट कस करके रिवॉल्वर लेकर के अपने साथ जनरल डायर को मारने के लिए काष्ठन हाल की ओर चलने लगे। अलहन के भाव में कहना बा, भारत माता की जय, बोली के सपुतवा बाबू हाथावा में लाई लिया ले हाथी, हे
का सजा आ गया। जब जिस समय उधम सिंह कास्टन हाल में जब पहुंचे उसी समय जनरल डायर भाषण दे रहा है। क्या भाषण दे रहा है कि भाइयों मैंने हिंदुस्तान की धरती पर कितने बम चलवाए, कितने गोलियां चलवाई, कितने बहन बेटियों को मैंने इज्जत नीलाम किया, इज्जत लुटवाया। उसी समय अंग्रेज ताली बजाने लगे, अंग्रेज ताली बजाने लगे। तब भाई पहुंचते मान उधम सिंह सामने से जनरल डायर की निशाना बना के तर 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 गोली चला दिए। जब गोली सीने में लगी जनरल डायर के, थराम से गिरा धरती पर। और उसी समय तमाम अंग्रेजों की सिपाही घेर लिए और गिरफ्तार, हाथ में हथकड़ी लगा के गिरफ्तार कर लिए और जेल में लेके गए। मुकदमा चलता है। कुछ दिन के बाद अदालत से फैसला आया कि उधम सिंह को फांसी दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जब फांसी का सजा सुन के उधम सिंह ने कहा, ओ मैं फांसी में नहीं, मुझे आग में जार डालो। ये जवान अपना बदला पूरा कर लिया, मुझे कोई गम नहीं, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उस समय अंतिम इच्छा जल्लादों ने पूछा, जल्लादों ने कहा, ओ हीरो, उधम सिंह ने ऐसे देखा, ये जल्लाद की इतनी हिम्मत, मैं फांसी पे चढ़ने वाला हूँ और इसको हंसी आ रही है। जल्लादों ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो खाने पीने की तो बता दो, हाजिर हो जाएगा। जल्लादों ने कहा, ना खाने की इच्छा है ना पीने की, खाली मिलने की इच्छा है। जल्लादों ने हंस पड़ा, ये साला मिल के मरने वाला है, दुनिया खा पी के मरती है और आत्मा संतुष्ट हो जाए, ये साला कह रहा है कि मुझे मिलने की इच्छा है। जल्लादों ने फिर सवाल किया, किससे मिलने की इच्छा है? उधम सिंह ने कहा कि एक लड़की से। जल्लादों ने कहा, लड़की? ये लड़की के चक्कर में पड़ गया साला, मैंने सोचा ये अपने माँ बाप से मिलकर मरेगा, ये लड़की से मिलकर मरेगा। जल्लादों ने कहा, उसका नाम क्या है? उधम सिंह ने कहा, उसका नाम है रेखा। रेखा को संदेश दिया गया, भागते भागते आई और जाके उधम सिंह के गले से लग के कहने लगी कि मेरे स्वामी उधम जी, मुझे नाज है, गर्व है कि आप जैसे मैंने वीर से प्यार किया कि अपने वतन के लिए फांसी पे चढ़ने वाला है। आखिरी इच्छा एक बात रेखा उधम सिंह से एक बात कही, कहने लगे उधम सिंह रेखा से कहे कि अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा तो मेरी लाश को ले जाके अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना, इन जल्लादों के हाथों, इस अंग्रेजों के हाथों मत लगने देना। मैं चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान की धरती के माटी में, मिट्टी में मैं मिल जाऊं। उसी समय बतिया मान करके गले लग करके उसी समय आज रेखा रोने लगी और काला कपड़ा डालकर फांसी का फंदा डाल करके आज गले में जैसे जल्लादों ने फंदा खींचना चाहा, उधम सिंह ने कहा धार धार, कहने लगे जल्लादों पीछे हट जाओ, अरे मैंने क्या चोरी की है, जो आपके हाथों में मरूंगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, अगर मैं मरूंगा तो खुशी खुशी अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच कर मरूंगा, कहना बखड़ी हूं। तो क्या पूरा पानी है जमना वतन का सीचे बीरवा, तो क्या पूरा पानी है जमना वतन का सीचे बीरवा, अपने हाथों फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा।
करवा के पांव से कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बिरवा अपने हाथ है फांसी वाली डोरी खींचे बिरवा बकार धन्य धन्य भी रहो धन्य तोरी भी रताई अरे लंदन में लिया जाके बदला चुकाई ऐसा हुआ ना कोई बहादुर जग के बिछवा अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींची बिरवा उस समय अपने हाथ से फांसी का फंदा खींचकर वीर उधम सिंह अपनी जान की आहुति दे दिए कहीं पर अपने हिंदुस्तान में बहुत कम उम्र में कम समय में 32-33 साल की उम्र में जिसका नाम वीर उधम सिंह है अंग्रेजों के घर में घुस के विदेशों के घर में घुस कर अपने वतन के बदला को लेकर के आज अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच करके अपने जान की आहुति दे दिए ऐसी कहानी की खत्म बा आखिरी भाव कहा बुधुरम पंधारी कहते धन प्रभु की कथन किया कमल सिंह यादव शारद माँ की छाया कुर्बानी मान्य भारती देशवा कहे सोना सुहानी रतिया कहीं भवानी कुर्बानी मान्य भारती देश बलमुआ का पेड़ा मिठाई पुरनिया कहे हैं कि जैसे देहात का बिजली और शहर का मेहरारू का कोनो भरोसा नहीं बा यही से कहना बा आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई भिगोई दी बजरा कहा जाना दे शहर वाली कजरा आन के बलमुआ का सेजा सुतावई आन के बलमुआ का सेजा सुतावई आन
चलता वही मन की पुरनिया कहे हैं कि आपन लड़किया दूसरे के मेहरारू बड़ी नीक लागत थी। आपन लड़किया केतना माटी ओटी में लोटे रहे ओका झाड़ पोंछ के आपन ले लही खिलाई लही आपन मेहरारू केतना जमाए रहे देख के कभो न खुशी हुई अब फलनवा के मेहरारू केतना करिया रहे लेकिन ओके बखान इतना कि यार फलनवा के मेहरारू बड़ी सुंदर क्या माल है बहुत अच्छी है ना यही से कहे हम आन के बलमवा का तेजा सुतावई अपने बलम